आदि पुरुष। आदि पुरुष फिल्म में सैफ अली खान ने रावण का किरदार निभाया है। अगर सैफ अली खान की जगह ये सात एक्टर बनते रावण तो स्क्रीन पर धुआं धुआं हो जाता। आइए जानते हैं इन सात एक्टर के बारे में जो रावण का रोल बखूबी निभा सकते थे। इस खेल में सिर्फ सीढ़ी नहीं, सांप भी है। उसमें एक ऐसा सांप जो अगर कभी डसेगा तो तुम सीधे नीचे गिर जाओगे। संजय दत्त, इस नाम से तो आप वाकिफ ही होंगे। अग्निपथ में कांचा चीना का रोल हो या शमशेरा, पानीपत या फिर केजीएफ 2 जैसी फिल्मों में अदीरा का खूंखार रोल, ऐसा लगता है संजय दत्त विलेन का रोल करने के लिए ही पैदा हुए हैं। उनका क्रूर अंदाज रावण के कैरेक्टर को अलग ही स्तर पर ले जाता अगर वे आदि पुरुष में रावण बने होते। रणवीर सिंह। रणवीर सिंह की एक्टिंग की रेंज कमाल की है। उन्होंने पद्मावत में खिलजी के रोल में साबित कर दिया था कि अगर उन्हें मौका मिले तो वे विलेन के अवतार को भी पूरी शिद्दत से निभा सकते हैं। ऐसे में रावण के लिए रोल के लिए परफेक्ट चॉइस वे हो सकते थे। यकीन मानिए रणवीर सिंह भी रावण का रोल बखूबी कर सकते थे। राणा दुग्गुबाती। जी हाँ, क्या आप इस शख्स को जानते हैं? फिल्म बाहुबली में प्रभास को कड़ी टक्कर देने वाले राणा की पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि रावण के जटिल किरदार को वे बेहद आराम से अपना सकते थे। एक पावरफुल विलेन के रोल में राणा फैंस को अपने नेगेटिव किरदार से प्रभावित कर सकते थे अगर वे आदि पुरुष में रावण बने होते। जगपति बाबू। साउथ के सुपरस्टार बाबू कई फिल्मों में विलेन के रोल से फैंस का दिल जीत चुके हैं। उनका अनुभव इस तरह के रोल में काफी अधिक है और उनकी पर्सनैलिटी भी रावण जैसे किरदार के हिसाब से मैच करती है। ऐसे में वह इस रोल के लिए अच्छी चॉइस साबित हो सकते थे। विजय सेतुपति। साउथ के सुपरस्टार एक्टर विजय सेतुपति का खौफनाक विलेन अवतार देखना हो तो फिल्म विक्रम वैदा जरूर देखनी चाहिए। अपनी शानदार एक्टिंग के चलते साउथ के बाद बॉलीवुड में वे जबरदस्त लोकप्रिय हुए हैं। उन्होंने हर एक फिल्म में एक जबरदस्त एक्टिंग की है तो वे आदि पुरुष में रावण का किरदार भी अच्छे तरीके से कर सकते थे। चिन्मय मांडलेकर। जी हाँ, कश्मीर फाइल्स में अपना नेगेटिव किरदार से फैंस के दिलों में सेहरन पैदा करने वाले चिन्मय की स्टार पावर भले ही बहुत अधिक ना हो, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वह अपनी एक्टिंग से तो रावण के कैरेक्टर में जान फूंकने का दम रखते ही हैं। जैसे कि कश्मीर फाइल में वह एक नेगेटिव रोल निभाकर लोगों के दिलों में छा चुके थे। सलमान खान। ये चॉइस कुछ लोगों को काफी अजीब सी लग सकती है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जब सलमान खान एक्टिंग करते हैं तो फैंस को वे कायल कर जाते हैं। सलमान खान ने यूं भी लंबे समय से कोई नेगेटिव रोल नहीं निभाया है। ऐसे में उन्हें रावण के रोल में देखना वाकई ही एक दिलचस्प अनुभव होता और फैंस इस फिल्म को देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड होते। दोस्तों, ये थे वे एक्टर जो आदि पुरुष में रावण का एक बेहतरीन रोल निभा सकते थे। आपको क्या लगता है इस रोल के लिए कौन सा एक्टर बेहतर था, या फिर सैफ अली खान ही इस रोल के लिए बेहतर हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।